दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। गाइस, आज की वीडियो में आपके सामने ज़ेवेंटस हेल्थ केयर कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आई हूं, जिसका नाम है ज़ोस्टम 1.5 ग्राम, जो कि एक इंजेक्शन है जिसमें सेल्बैक्टम और सेफोपेराजोन मिला हुआ है। यह दोस्तों जो ज़ोस्टम 1.5 ग्राम इंजेक्शन है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल कई टाइप के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ये बैक्टीरिया से लड़के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ने से रोकती, साथ ही साथ इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वॉल में सेल्बैक्टम सोडियम IP जो मिला हुआ है, इक्विवेलेंट टू सेल्बैक्टम के 0.5 ग्राम मिला हुआ है, और आपका सेफोपेराजोन सोडियम IP जो सेफोपेराजोन इक्विवेलेंट है वो इसमें 1 ग्राम मिला हुआ है। इस पैक में स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन दिया हुआ है, और बाकी जो पाउडर रहता है वो चीज़ इसमें रहती है जो ड्रग रहता है। दोस्तों ये एक इंजेक्शन है, इसीलिए आपको इसका इस्तेमाल खुद नहीं करना है, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करना है। ये जो ज़ोस्टम 1.5 ग्राम इंजेक्शन है, ये आपको पूरी तरह से अपने सुपरविज़न जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है या डॉक्टर या फार्मासिस्ट, उसके सुपरविज़न में ही इसका इस्तेमाल करना है। कोई भी डोज को मिस नहीं करना है। जो अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से इंजेक्शन को लेने का, उस अपॉइंटमेंट पर आप पहुँचे और डोज मिस ना होने पाए। अगर आपको अपनी तबीयत ठीक भी लग रही है तो भी पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद ही इस्तेमाल बंद करें। बीच में इस्तेमाल बंद करने से आपका जो इन्फेक्शन है वो बचा रह सकता है, बैक्टीरिया ज़िंदा रह सकते हैं और इन्फेक्शन जो है वो वापस आ सकता है। इसलिए पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद ही इसका इस्तेमाल बंद करें। और सडन डिस्कंटिन्यूएशन यानी अचानक से अगर इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो आपकी जो बॉडी की पोटेंसी है दवाई की वो भी ख़त्म कम हो जाएगी और वो दवा फ्यूचर में कम भी असर करेगी उस बैक्टीरिया के लिए। इसलिए पूरा कम्प्लीट कोर्स कर ही दवा का इस्तेमाल बंद करें। जब इसका इस्तेमाल करेंगे, ये इंजेक्शन आपका डॉक्टर आपको देगा, तो आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली आना, उल्टी होना, पेट ख़राब होना, बदहजमी होना। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चली भी जा सकती हैं अगर आप रेगुलर डोज आपका जैसा भी चलता रहेगा ट्रीटमेंट। लेकिन अगर कोई भी चीज़ें नहीं जाती, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा परेशान कर रहा हो, ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रहा हो, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको किसी टाइप के एलर्जिक रिएक्शन का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि रैशेज़ हो जाना, खुजली होना, सूजन होना, सांस लेने में कठिनाई होना, तो तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, तुरंत हॉस्पिटल जाएं और इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री भी बता दें कि आपको पहले कोई बीमारी तो नहीं रही है या कोई दवा तो नहीं चलती है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग औरतों को डॉक्टर की पूरी सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आपको इसको लेने के बाद कुछ चक्कर आए तो आप ड्राइव वगैरह ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे कि दवा का असर आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे, अगर आपको चक्कर या नींद ज़्यादा आ रही है तो। दोस्तों ये जो दवा है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है सेफोपेराजोन और सेल्बैक्टम का। जो इसमें सेफोपेराजोन है, ये एंटीबायोटिक है जो बॉडी में जाके बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर को बनने नहीं देती, जिससे कि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं हो पाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सेल्बैक्टम जो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, जो रेजिस्टेंट को घटाता है, साथ ही साथ सेफोपेराजोन की जो एक्टिविटी है बैक्टीरिया के खिलाफ, उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है। और ये दोनों ही दवाइयाँ मिलके जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करके, आपको इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करके आपको हेल्दी और स्वस्थ बनाते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो इस प्रोडक्ट पर, ज़ोस्टम प्रोडक्ट पर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को सवाल करना चाहते हो, कुछ कहने बताना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप में से जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।